मोहन आज मायूस बैठा था और वजह थी व्यापार में घाटा। उसे चिंता इस बात की थी व्यापार के लिए जो कर्ज उसने बैंक से लिया था, अगर वो उसकी किस्त समय पर नहीं देगा तो बैंक वाले उसका घर नीलाम कर देंगे। यही सोचकर वो परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त रवि उससे मिलने आया। रवि ने मोहन को देखते हुए कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। मोहन ने अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहता ही है। रवि ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है समस्या गंभीर है, क्या बात है भाई। रवि की बात सुनकर मोहन ने अपनी सारी कहानी उसको बताई। इसके बाद उसने रवि से पूछा, अच्छा भाई, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। रवि थोड़ा सोचने के बाद कहता है, सच कहूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता का पछतावा नहीं करता, आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करने से आदमी नुकसान से और दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाता। मेरी मानो तो तुम अपने व्यापार को नए सिरे से खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद मोहन ने कहा, तुम बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन मुझमें फिर से वही व्यापार करने की हिम्मत नहीं है। इस पर रवि ने कहा, ये सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें ज्यादा होमवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मनाना चाहिए, काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। मेरे भाई, अगर तुम बस अपने नुकसान के बारे में सोचते रहोगे ना, तो उतना ही ज्यादा तुम अपनी सफलता से दूर हो जाओगे। अपने मित्र की बात मानकर मोहन ने अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया और खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।